थोड़ा सा दूर रह गया मेरा ट्रैक, वहाँ पे पहुँचना है मुझे। बहुत लंबा रास्ता तय किया, बहुत लंबा। अब केदारनाथ का वाला पार्ट जहाँ पे अब लॉन्च हुआ था, जहाँ पे आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे अब लॉन्च हुआ था, काफ़ी तगड़ा हुआ था। कुछ लोग फंस भी गए थे लेकिन फिर भी उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। तो ये वही वाला पार्ट है। इसके बाद अब थोड़ा सा ही दूरी पर केदारनाथ बाबा का धाम है। यहाँ से आपको जल्दी जल्दी निकलना होता है, वैसे टीम यहाँ पर है जो आपकी हेल्प करती है जल्दी से निकलवाने के लिए। बहुत ही करीब है महादेव, बहुत ज़्यादा करीब, लगभग 900 मीटर होंगे। और क्या सुंदर नज़ारा है, वो पहाड़ देखो सामने के, ग्लेशियर बादल से ढके हुए हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचे। इतना सुंदर नज़ारा है ना, मन खुश हो गया, सारी यात्रा की थकान दूर होगी ना देख के, और पूरी थकान दूर होगी बाबा के दर्शन करके। तो खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो कितना सुंदर है, स्पेशली ये पहाड़ तो ना, जैसे ना वही चीज़ है ना, वीडियो में आप लोग देखते हो तो वो चीज़ नहीं पता लगती है। मैंने ये बहुत बार देखी है तो ऐसा लगता है बस बर्फ जमे, लेकिन इसकी सुंदरता जो आप देखोगे ना आगे, जो एक्चुअल आंखों से देखी जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मौसम अभी थोड़ा ख़राब है लेकिन बारिश इतनी तेज नहीं है, सही है। जल्दी से फटाफट चलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आरती अटेंड कर पाऊँ, लेट्स सी कर पाती हूँ या नहीं। यही भाई, तभी ना ये गाना कितना सुंदर लगता है, क्योंकि यही गाना ना इन वादियों में टकरा चुके हैं, सीरियसली टकराने के बाद ही पता लगता है इन वादियों की खूबसूरती। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा। कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ट्रैक करने के बाद कि कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन एक्चुअल होता है, सच्ची होता है। आप आओ और इस खूब नज़ारे को देखोगे तो सारी थकान दूर हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा। और ये मेरा फर्स्ट हाईएस्ट पीक ट्रैक है, फर्स्ट। इस तरह की कैंप सुविधा यहाँ पे रहती है, सिंगल डबल ग्रुप में आप तो आपको मिल जाएगा। और मंदिर से बहुत ही पास में है, 500 मीटर के अंदर ही होगा। बहुत सारे कैंप की आपको यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है। पर भी यहाँ पे कैंप लगा रखी है, सही है। अगर आप भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना कैंप पता करके लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेस है कैंपिंग के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। ओह फाइनली महादेव बाबा के धाम का मेन गेट आ चुका है। केदारनाथ धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय बाबा केदार जी। Thank you.
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सामने ही मुझे मंदिर दिखने लग गया है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और, बस थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद वो खूबसूरत मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ मैं आपको। बिल्कुल सामने है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और, वो देखो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा दूर और, अपने आप ही एनर्जी आ गई, अब जल्दी जल्दी चल लेगी। हाँ तो हमका हेलीपैड दिखाती हूँ आपको, बस हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है तो उसका पास ना जाए भी ट्राई करूँगी उसको दिखाने के। एटीएम वगैरह तो काफ़ी सुविधा अब कर दी गई, एक एटीएम है, वॉशरूम वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी मिल जाएंगे। मेरी सांस फूल गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर लिया है। यहाँ मेडिसिन वगैरह कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है, ये देखो यहाँ पे HDFC का ये ATM बैंक है, मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। ओ भाई लाइन लग रही है बहुत लंबी। केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखो वहाँ से ही लाइन शुरू हो गई है, फिर से रीडेवलप हो रहा है केदारनाथ, काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की जा रही है, अब दोबारा से डेवलप किया जा रहा है इसको। ये रही लाइन, बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, अभी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा दर्शन करने में। अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 हो गए हैं, पता नहीं कितने टाइम पे दर्शन हो गए। मेरे को आरती भी देखनी थी, पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं। दर्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा, जैसे ही आप एंटर करते हो ना तो कॉर्नर में मैं आपको दिखा दूँगी जाते हुए कि कहाँ से आपको ये टोकन मिलने वाला है, और टाइमिंग के हिसाब से आपको स्लॉट दिए जाएंगे, उस टाइम में आपके दर्शन हो जाएंगे। काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत खूबसूरत है, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। टेम्परेचर थोड़ा ना ज़्यादा ही पता जा रहा है, माइनस होने वाला है थोड़ी देर में, जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे ही टेम्परेचर घटता जा रहा है, और बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर। ट्रैक तो करते हैं लेकिन हालत कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसा लग रहा है खच्चर में ही चला बहुत ज़्यादा खराब, और ना हाथ पैर में ज़्यादा ठंडे लग रही है, पैर में ज़्यादा सुन बना हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा। शेड्स लगाए हुए हैं, शेड्स लगाए हुए तो सही है, आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। हाँ काम पे आप यहाँ पे हो रही है आरती बाबा केदारनाथ की, बहुत
सो ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने रात को स्टे किया था। जो कैंपिंग है वो मैंने यहाँ पे की थी, मतलब रात को स्टे करना ही पड़ा था। इस तरह के कैंप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, फैसिलिटीज़ वगैरह भी सही मिल जाएगी, गर्म पानी आपको मिल जाएगा, ये वॉशरूम है यहाँ पे। गर्ल्स अगर आप लोग भी कभी ट्रैप मतलब कैंपिंग वगैरह यहाँ पे करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। इनफैक्ट लोग भी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी करेंगे आपकी। सो मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है, रात को तो बारिश हो रही थी लेकिन ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन स्लीपिंग बैग में पता नहीं लगा था। और ये देखो पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इतना सुंदर लग रहा है सारे। मंदिर के लिए तो इतनी ज़्यादा लाइन है ना, मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। इससे अच्छा है कि आप रात शाम के टाइम कर लीजिए दर्शन, वो बैठे रहता है, अभी तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सामने बैठे हैं महादेव और ये लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी। सो रात को बारिश हो गई थी, फिर से मैं भैरव मंदिर नहीं जा पाई थी। अभी भैरव मंदिर का 1 किलोमीटर का ट्रैक है, वो यहाँ से करेंगे, और उसके बाद भीमशिला वगैरह भी मैं नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कोई भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे कुंड का जो जल लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी वो कहाँ से मिलता है। एकदम पहाड़ों के बीचों बीच बैठे हैं महादेव। सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तुमने सिर्फ है दिया। सामने है यहाँ पे विशेष पूजा समिति का कार्यालय, यहाँ से आप अपना पूजा काउंटर का मतलब जो भी आपको पूजा वगैरह करवानी है आपको ले सकते हैं। पूरे भीमशिला दर्शन करते हैं उनके, और वहीं से मुझे जल लेना है। पुजारियों का निवास स्थान बिल्कुल पास में मंदिर के बना, इस तरह का बना रखा है। और ये देखो सामने दिखे पहाड़ दिख रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो आप
इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, पूरा भरा पड़ा है आज मंदिर का प्रांगण। जय श्री केदार। बड़ी मुश्किल से 30 मिनट चालू हुए वो। ये नहीं, वो भीमशिला जिसके दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक फ्रंट से दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, तो ठीक मंदिर के पीछे है एग्जैक्ट जो त्रासदी हुई थी, जो बात आई थी। कई लोगों का कहना है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, यही भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। कुछ का कहना है कि इस बड़े से पत्थर को देखकर यही लगा जैसे भीम ने अपनी गदा को गाड़कर महादेव के मंदिर को बचा लिया है, यही वजह है कि लोग इसे भीमशिला कहते हैं। पानी का बहाव यहाँ से था, ये दो जगह से। बाकी मान्यता है कि कुछ कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय में ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने इस शिला को यहाँ पर पहुँचाया है। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक चमत्कार के रूप में आप यहाँ पे इस शिला को पाएंगे। पत्थर चाहता ना तो आगे की तरफ ही जाता था, यानी मंदिर के बिल्कुल पीछे सट के खड़ा हो सकता था, या फिर हो सकता है मंदिर को भी नुकसान पहुँचा सके, लेकिन नहीं। ये देखो आप कितनी ऊंचाई पे, और एग्जैक्ट उसी जगह रुक गया ये, बिल्कुल मंदिर के पीछे ऊंचाई पर। उससे आगे भी फ्लो जा सकता था, अगर फ्लो के थ्रू जा सकता था, तो ये एकदम चमत्कार वाली बात है कि ये एग्जैक्ट यहीं पर आकर रुक गया, हिला नहीं यहाँ से। पानी का बहाव इतना तेज था कि आगे जा सकता था। सब भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव, हर हर श्री शंभू। एक मंदिर से पीछे आपको छोटा सा कुंड है। बाबा ये जल के लिए 10 रुपए ले रहे हैं, बिना पैसे के तो बॉटल भर के ही दे रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद मैंने 2 बॉटल भरवा लिए, मैं 50 रुपए दिया और फिर चलो कोई बात नहीं, भगवान के धाम में सब चलता है। मतलब दर्शना देख रहे हैं तो ही दे रहे हैं। तो यहाँ से हम ट्रैक करेंगे 1 किलोमीटर का भैरव बाबा के लिए। चलिए, ये ट्रैक जो शुरू होता है जहाँ पे आप पूजा के लिए स्पेशल वीआईपी एंट्री लेते हैं, वहाँ से बिल्कुल बगल में ही है ये ट्रैक। ने भी पुजारी वगैरह है वो सब यहाँ पर रहते हैं, बाबा लोगों के लिए इस तरह का मतलब यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाई गई है। सामने भंडारे की व्यवस्था है, देखिए देखते हैं क्या मिल रहा है। मस्त भंडारे में मैंने खाया कढ़ी चावल और हलवा था, बहुत स्वादिष्ट, मज़ा आ गया। बर्तन वगैरह खुद धो के अब आगे निकलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। सब भोलेनाथ की कृपा से अच्छा खाना भी मिल गया। चलो, तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी दूर पर ही है। ऊपर से केदारनाथ का जो दर्शन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो रात को थोड़ा रेस्ट करने से यह है कि अब काफी एनर्जी आ गई है, अब भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद तो और एनर्जी आ गई है, अब आराम से नीचे उतर लेंगे। हर साल केदारनाथ के कपाट खोलने से पहले भैरव मंदिर में भैरवनाथ जी के रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन किए बगैर भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा है।
देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर हैं, वहाँ वहाँ पर काल भैरव जी का भी मंदिर स्थित है। भुकुंड बाबा को केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है, उन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल माना जाता है। बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ भुकुंड बाबा की पूजा किए जाने का विधान है, उसके बाद विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। लाइन दिखाऊं आज बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा, कल से ज़्यादा। मॉर्निंग में दर्शन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मिलेगी, और शाम के टाइम फिर भी कम हो जाती है। वो देखो वहाँ से लाइन शुरू हो रही है, ये पूरा वहाँ से आप पीछे की तरफ पूरा वहाँ मंदिर तक लाइन है। वो वाला हेलीपैड देख रहे हो आप लोग, वो है वीआईपी दर्शन के लिए। वीआईपी दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, सीधा यहाँ देखो मंदिर में इस तरफ जाते हैं, सीधा वो रास्ता है। और जो ये वाला हेलीपैड है, ये नॉर्मल जनता जो आती है वो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ आती है हेलीपैड के पास। तो ये पूरा रास्ता यहाँ से होते पूरा ये यहाँ, फिर यहाँ जाके मंदिर के पास लाइन लगती है, वो बिल्कुल शॉर्टकट सा रास्ता है। हेलीपैड से अपना उतरो, उसके बाद अब जो अवशेष थे उस टाइम के अभी भी है, अभी भी देख सकते हो आप। ये देखो ये पड़े हुए हैं, और वहाँ पर ये जो टूटा हुआ था रास्ता ये भी है अभी तक, देख सकते हो आप। और ये देखो ये पुल टूट गया था उस टाइम, ये वाला उस टाइम का अवशेष है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप कर लिया गया है अब आस पास का। मतलब ये देखो ये वो जगह है जहाँ से पानी की शुरुआत हुई थी, वो यहाँ से वो नदी पूरी आई थी, ये तो ऐसे सेपरेशन करके, और पूरा ऐसे ये पूरी चीज़ समझ सकते हो आप कि सब कुछ बह गया था, सब कुछ सिर्फ मंदिर छोड़ के। ये वही जगह है, 100 रुपये के प्रसाद में यहाँ चढ़ेगा, यहाँ चढ़ेगा भाई वीडियो। अच्छा दे दीजिए प्रसाद क्या। अच्छा ये लिया है यहाँ पे प्रसाद, 200 रुपये के अंदर आपको ये तेल मिलेगा, सिंदूर मिलेगा, और प्रसाद उसे चढ़ाने के लिए जो आप घर पर भी लेके जा सकते हैं। ये तेल और सिंदूर देखते हैं इसको चढ़ाने के लिए। वो रहा केदारनाथ, हाँ ये रहे बाबा भैरवनाथ। ये चल रहा है अड्डे तो दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, अब वापस जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। पहुंच के गौरीकुंड में आपसे मुलाकात होगी। चलिए हर हर महादेव। आप यहाँ इस जगह पर जरूर जाना, यहाँ की मान्यता है कि जब आप हर हर महादेव बोलते हैं तो बुलबुले उठते हैं, तो वही हर हर महादेव आया। हर हर महादेव, जय शंभू, जय भोलेनाथ। शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप तभी प्रेफर करना जब बारिश ना हो रही हो। अभी मौसम साफ है इसलिए मैं इस रास्ते से जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँचूँ, ठीक है। लेकिन आप चढ़ाई करोगे तो बहुत मेहनत लगने वाली है, करने में तो ठीक है, बढ़िया रास्ता। प्रकृति की विनाशक कौन है आप बताइए कमेंट करके। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, अब ये देखो ये अच्छा लग रहा है या फिर ये सुंदर नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा देख के ना इसको मन दुखी होता है, बहुत ज़्यादा।
ये वो वाला पुल है जो आपने मूवी के अंदर देखा होगा। नमो नमो जी शंकरा वाले सॉन्ग के अंदर यही वाला पुल होता है। ये है सुंदर नजारे केदारनाथ। ये वाले सुंदर नजारे तो सिर्फ देखने को आपको ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो ये कीचड़ ही दिखने वाला है। इसलिए रेलिंग्स लगी हुई है कि उतरते वक्त आप इसको पकड़ के आओ आराम से, तो पिस्टल लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।